पाठकों को सादर नमस्कार, राम राम सा। 31 जनवरी 2020 की खास खबरों से आप सभी को अवगत करवाने के लिए श्री डूगरगढ़ टाइम्स के विशेष वीडियो न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत अभिनंदन। आज की प्रमुख खबरें। समाज को मर्यादा पालन का संदेश दिया 13 मंत्र धर्म संघ के साधु साधवियों ने मर्यादा महोत्सव का आयोजन करके। प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरुद्ध आंदोलनरत गोरक्षनाथ बस्ती व वीर तेजा कॉलोनी के निवासियों ने निकाली विरोध रैली। विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर मांगा भगत सिंह पार्क का सौंदर्यकरण। दो भाइयों के परिवार ने आपस में फोड़े सर, परस्पर मामले दर्ज। क्षेत्र के भारतीय निकेतन स्कूल के कैंपर को हाईवे पर वाहन ने मारी टक्कर। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धार्मिक आयोजन की खबर से। प्रकृति हो या समाज, तभी तक विकास की ओर अग्रसर है जब तक सभी अपनी मर्यादा में रहें। इन्हीं शब्दों के साथ संपूर्ण श्री डूगरगढ़ वासियों को मर्यादाओं के पालन की प्रेरणा दी गई। शुक्रवार को 13 पंथ सेवा केंद्र में आयोजित 156वें मर्यादा महोत्सव आयोजन के दौरान 13 पंथ धर्म संघ के सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक मर्यादा महोत्सव के आयोजन के दौरान सानिध्य देते हुए मुनि श्री सुमति कुमार ने आचार्य श्री भिक्षु स्वामी द्वारा लागू की गई मर्यादाओं के पालन से ही धर्म संघ का उत्तरोत्तर विकास होने की बात कही। साध्वी श्री बसंत प्रभा ने आचार्य श्री भिक्षु को मजबूत मनोबल के धनी बताते हुए उनके द्वारा जीवन पर्यंत कष्ट सहने के बाद भी विश्व कल्याण की राह प्रशस्त करने की बात कही। साध्वी श्री पावन प्रभा ने आचार्य श्री भिक्षु की बनाई मर्यादाओं के पालन से आत्मबल मजबूत होने की बात कही। कार्यक्रम में मुनि देवारे कुमार, मुनि आदित्य कुमार, साध्वी अक्षय प्रभा, साध्वी संकल्प श्री, साध्वी मल्लिका श्री ने भी प्रेरणा पात्र दिए। जैन सभाध्यक्ष मदनलाल मालू, महिला मंडल अध्यक्ष संगीता दुगड़, पवन सेठिया ने भी विचार रखे एवं कार्यक्रम का संयोजन मधु देवी झापक ने किया। अब बात करें क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन की, तो शुक्रवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरुद्ध 39 दिनों से धरने पर बैठी गोरक्षनाथ बस्ती वीर तेजा कॉलोनी संघर्ष समिति ने शुक्रवार को विरोध रैली का आयोजन किया। नेशनल हाईवे स्थित धरना स्थल से रैली घूमचक्कर मुख्य बाजार रानी बाजार होते हुए पुनः घूमचक्कर एवं धरना स्थल तक पहुंची। रैली के दौरान रैली में शामिल लोगों ने अतिक्रमण हटाने से प्रभावित लोगों को भूमि आवंटन कराने की मांग की एवं प्रशासन के खिलाफ संवेदनहीनता का आरोप लगाया। इन प्रदर्शनकारियों द्वारा शनिवार को बाजार बंद का आह्वान भी किया हुआ है एवं बाजार बंद की अपील भी इन लोगों ने सभी सामाजिक संगठनों से की है। इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। विरोध प्रदर्शन के क्रम में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कस्बे के आरसरवास में स्थित भगत सिंह पार्क का सौंदर्यकरण करने की मांग को लेकर नगर पालिका पर प्रदर्शन किया। परिषद के जिला सह मंत्री महेंद्र राजपूत की अगुवाई में युवाओं द्वारा किए गए इस प्रदर्शन के दौरान पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई एवं कई बार आश्वासन देने के बाद भी पार्क का विकास नहीं करने पर रोष जताया गया। इस दौरान पालिका में कोई भी सक्षम अधिकारी जन प्रतिनिधि नहीं मिलने पर भी युवाओं ने पालिका के लिपि को अपना ज्ञापन सौंपा एवं शीघ्र अतिशीघ्र पार्क का सौंदर्यकरण नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अब बात करते हैं अपराध जगत की, तो श्री डूगरगढ़ तहसील के गांव कल्याणसर पुराना में दो सगे भाइयों के परिवारों में भूमि विवाद को लेकर आपस में सरफुटबल हो गए हैं। दोनों परिवारों द्वारा एक दूसरे के परिवार सदस्यों को नामजद करवाते हुए श्री डूगरगढ़ पुलिस थाने में एक दूसरे के विरुद्ध परस्पर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि कल्याणसर पुराना निवासी मालाराम सुथार ने अपने भाई परमेश्वरलाल सुथार, भाई के पुत्र लेखराम सीताराम और परमेश्वर की पत्नी केसर देवी के खिलाफ खेत में घुसकर पाइपलाइन तोड़ने, मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर लाल के पुत्र लेखराम ने अपने ताऊ मालाराम व ताऊ के बेटे भंवर लाल बजरंग लाल पर रास्ता रोककर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है एवं दोनों पक्षों की ओर से चोटिल मालाराम व लेखराम का मेडिकल मुआयना करवाया है। शुक्रवार सुबह क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब क्षेत्र की सबसे बड़ी स्कूल भारतीय निकेतन विद्यालय के विद्यार्थियों को लाने ले जाने वाली बोलेरो कैंपर को हाईवे पर एक गाड़ी द्वारा टक्कर मारने पर
कैंपर के पलट जाने की खबर लोगों ने सुनी। बच्चों को लाने के लिए रवाना हुई कैंपर की हाईवे पर दुर्घटना की सूचना से एक क्षेत्रवासी बड़ी अनहोनी की आशंका से हाईवे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन गनीमत रही कि कैंपर की दुर्घटना बच्चों को लाने के लिए जाते समय हुई एवं कैंपर में केवल ड्राइवर ही था, उसे भी चोटें नहीं आई है। घटना में कैंपर को टक्कर मारने वाली स्विफ्ट गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है एवं अभी तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। राजू ठेहर गैंग का आदमी बनकर हत्या के आरोप में जेल में बंद अपने भाई के खिलाफ गवाही नहीं देने की धमकी देने वाले बाना निवासी गंगाजल बाना को शुक्रवार को बीकानेर जेल भेज दिया गया है। विदित रहे कि बाना के पूर्व सरपंच भवनलाल बाना के पुत्र की हत्या के मामले में बाना निवासी शंकरलाल जेल में है एवं शंकरलाल के भाई गंगाजल ने उसके खिलाफ गवाहियां नहीं करवाने के लिए राजू ठेहर गैंग का आदमी बनकर परिवादी को फोन पर धमकाया था। पुलिस ने आरोपी गंगाजल को गिरफ्तार कर लिया था एवं रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को बीकानेर जेल भेज दिया गया है। ये थी श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की आज की खास खबरें। देश प्रदेश के साथ श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के सभी विश्वसनीय और प्रमाणिक समाचार को प्राप्त करने के लिए जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप 94149417401 पर श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सादर धन्यवाद, शुभ रात्रि।